हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और आज है 7th ऑफ दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। देखिए, सैटरडे होता है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, जो दूसरा पेज होता है एडिटोरियल के बाद वाला, तो वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम डिस्कस करते हैं सिर्फ ऊपर वाला पेज, ठीक है। तो ऊपर वाले पेज में देखेंगे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है। ग्राउंड जीरो में देखिए, ये इन ए लैंड विदाउट इंटरनेट, यानी कि कश्मीर वगैरह की स्टोरी पूरी बताई हुई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चार आर्टिकल, चारों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आर्टिकल है, कल देखिए आपने एक एनकाउंटर देखा होगा, ठीक है, जो एक हैदराबाद के अंदर केस हुआ और उसके बाद जो है पुलिस का जो एनकाउंटर हुआ, तो उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल है, ये क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग है। क्लाइमेट चेंज की देखिए मीटिंग होने वाली है अभी मैड्रिड में, उसी से रिगार्डिंग है, क्या क्या इश्यूज है क्लाइमेट चेंज के, कैसे जो है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो सब थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली इसमें जो है कंटेंट कुछ नहीं दे रखा है। ये है मिड डे मील से रिगार्डिंग, कि मिड डे मील के जो प्रॉब्लम्स है वो आज भी नज़र आ रही है। ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती है, अभी जो एक दो केसेस बताऊँगा मैं आपको कैसे कैसे केसेस देखने को मिले, लेकिन इसमें कुछ कंक्रीट नहीं दिया हुआ। जो दो तीन चीज़ें प्रॉब्लम वाली दी हुई है, उसी को बार बार रिपीट किया हुआ है अलग अलग चीज़ें बोल के, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सिर्फ हमें वो चीज़ निकालनी है जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको जो मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट ये आर्टिकल है छत्तीसगढ़ से रिगार्डिंग। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये एडिटोरियल भी ऑलरेडी आ चुका है, दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था, तो इसमें भी कुछ खास नहीं दिया, उसी चीज़ को एक छोटे छोटे फैक्ट को बार बार बता रखा है, जो कि एग्जाम में ना हम लिख सकते हैं, ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना हमें लिखना है। तो इसमें भी दो तीन चीज़ें ही हैं जो एक बार हम फिर समझ लेंगे कि कैसे जो है माओविस्ट जो इलाका होता है, नक्सलाइट इलाका होता है, वहाँ पर क्या इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज किस तरह एक्शन लेती है, काफ़ी बार जो ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, तो वो सब इसमें दिए हुए हैं, तो वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल में क्या बोलते हैं कि देखिए, कोई भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है, उसके अंदर कोई भी देखिए इस तरह के एक्ट जो होते हैं, ठीक है, देखिए हमने जो है इतना घिनौने एक्ट देखे हैं और जो सुने हैं, रेप के एक्ट हैं, निर्भया का कांड हो या अभी हैदराबाद का हो, और भी जो है रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो इस तरह की घटनाओं में देखिए बहुत डिमांड आती है कि जस्टिस मिलनी चाहिए। तो ये बताते हैं कि कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रेट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पनिशमेंट के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि डिटरेंस कैसे क्रिएट हो, किस कैसे इस तरह का सॉल्यूशंस कुछ निकाले जाए, क्या रिफॉर्म किए जाए, क्या अमेंडमेंट किए जाए, या किस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि डिटरेंस आए सोसाइटी में, यानी कि लोग उस चीज़ से डरे और वो गलत काम ना करें। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये कहते हैं कि लेस सीरियस क्राइम, जो इतना बड़ा क्राइम ना हो, उसमें तो कोशिश भी की जाती है किस तरह जो है जो ऑफेंडर है उसको रिहैबिलिटेट किया जाए और उसको सोसाइटी के अंदर दोबारा मर्ज किया जाए, ताकि वो जो है गलत काम छोड़ दे। ये कह रहा है, हैदराबाद वाला केस देखे तो काफी शॉकिंग इंसिडेंट था। देखिए, जस्टिस की डिमांड हो रही थी हर जगह से, पार्लियामेंट हो या फिर मीडिया हो या फिर हर जगह से डिमांड हो रही थी, और बार बार ये चीज दिखाई जा रही थी कि देखिए विमेन की जो सेफ्टी है पब्लिक स्पेस में, वो दिखाई नहीं दे रही, और उसके लिए आउटरेज पूरी सोसाइटी में दिखाई दिया। ये कह रहे सोसाइटी के प्रेशर में, सोसाइटी देखिए इस तरह का प्रेशर क्यों दिखाने लगी, क्योंकि जस्टिस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। निर्भया कांड 2012 में हुआ, आज भी जो उसका फैसला नहीं आ पा रहा है। देखिए, फैसला आ गया या फिर जो आउटकम जो होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया है, पुलिस से विश्वास उठ गया है, गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया है, जुडिशरी से विश्वास उठ गया है। तो ये विश्वास उठने के कारण ही वो लोग इस तरह की डिमांड करते हैं। अगर ये विश्वास ना उठा होता, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स प्रॉपर काम करते, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि 7 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लग रहा है, अगर 7 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगता है तो मेरे हिसाब से नॉर्मल कोर्ट में तो फिर 20-20 साल लग जाते हैं, ठीक है, और ये रियलिटी भी है। तो इस तरह अगर हमारा सिस्टम जब चलता रहेगा तो जो फेथ है वो खत्म हो जाएगा, और यही यहां पे देखने को मिला, लोगों का फेथ जो है लीगल प्रोसेस से वो बहुत खत्म हो गया, क्योंकि इतना डिले देखने को मिलता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अगर 6-6, 7-7 साल तक जस्टिस नहीं मिल रहा है तो लोगों की डिमांड तो जायज है, लेकिन ये बताते हैं देखिए इस तरह की डिमांड से जो है हमारा रूल ऑफ लॉ, जो प्रोसीजर है, वो नहीं हर्ट होना चाहिए। ये कह रहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियन ही बोल रहे हैं कि जो है एनकाउंटर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए पार्लियामेंट को अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, यानी कि वो कानून जो बना रहे हैं उनको उन पे ही विश्वास नहीं है, वो कानून कुछ बना रहे हैं, डिमांड कुछ कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कोई भी
देखिए मैं अपनी व्यूज़ नहीं दे रहा, मेरे व्यूज़ दूंगा तो आप 90% लोग एग्री नहीं होंगे उस चीज़ से, ठीक है? ये जस्ट नॉर्मल जो लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। ये बताते कि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करना चाहिए, प्रोसीजर जो है कोई भी हर सर्कमस्टांसिस में प्रोसीजर को जो है फॉलो करना चाहिए। ये कहते हैं देखिए अभी किलिंग जो एक तरह से 4 एक्यूज की कर दी गई, ये भी जो है काफ़ी जो क्वेश्चन रेज करता है। ये बताते हैं कुछ गाइडलाइंस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह के इवेंट्स में कैसे डील करना है, पूरी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक पूरा स्ट्रिक्टली पूरा तरीके से जो है पूरा एपिसोड जो है या फिर इन्वेस्टिगेशन का या प्रोसीजर जो है पूरे एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन बहुत बार वो भी फॉलो नहीं होता। ये कहते हैं देखिए कुछ परसेप्शंस है, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले बताया कुछ परसेप्शन है कि लीगल इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत ही इल इक्विप्ड जो है तरीके से डील किया जाता है क्राइम्स को, और जो जिन्होंने क्राइम किया है उनको जस्टिस जो है उन जिन्होंने क्राइम किया है उनको जस्टिस मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से बोलते हैं कि प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो रही है। ये कह रहे थे कि प्रोसीजर क्या है, रजिस्टर कीजिए केस को, चार्जशीट दाखिल कीजिए, सेक्सुअल क्राइम जो भी कुछ होता है उसकी जो उसके अलावा जो पेंडेंसीज है कोर्ट में उनको क्लियर कीजिए, लेकिन कह रहे हैं ऐसा देखने को नहीं मिलता। जुडिशियल जो प्रोसेस है या पुलिस का जो पुलिसिंग जो सिस्टम है उसमें बहुत अवेयरनेस और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसी कारण से लोगों में जो इतना रोष क्रिएट हुआ वो यही कारण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाने के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है टाइमली। ये कह रहे दिल्ली में भी यही हुआ था, और ये इससे लोगों को पता चल गया कि देखिए 10-12 साल तक कुछ होना नहीं है, तो गुस्सा जायज़ है लोगों के अंदर, ठीक है, लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ऐसे जस्टिस जो है जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से एनकाउंटर किलिंग करना, ठीक है, ये एनकाउंटर किलिंग था। ये कह रहे हैं इस तरह को पॉलिटिकल सैंक्शंस भी देना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देखिए सिर्फ हम रेट्रीब्यूशन पे जो है चीजें देख रहे हैं, यानी कि हम पनिशमेंट पे देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि कैसे जो है पूरे सिस्टम को सुधारा जाए। आप कितनी पनिशमेंट देंगे ऐसे ऐसे तो पूरी सोसाइटी में क्योस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, पुलिसिंग सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, जुडिशरी में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या कारण है इतने डिले हो रहे हैं, क्या जजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट टाइमली क्यों नहीं कर पा रही है, पुलिस पुलिस के अंदर क्या क्या कमी है, सारी सॉर्ट आउट करेंगे तभी लोगों का विश्वास बनेगा। और फाइनली यही कहते हैं कि देखिए विश्वास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर लोगों का फेथ खत्म हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तो फेथ जो है बना रहना चाहिए, और उसके लिए फेथ तभी बना रहेगा जब जस्टिस जो है टाइमली मिलेगा, ठीक है। यह पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट है क्लाइमेट वार्मिंग से रिगार्डिंग। देखिए ये बताते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में पूछा जाता है, आपको अगर टाइम मिले तो IPCC के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। ये कहते हैं कि देखिए इनकी एक रिपोर्ट आई और इन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट जो है वो लैंड के ऊपर, ओशियन के ऊपर, क्रायोस्फेयर के ऊपर, ठीक है, क्रायोस्फेयर यानी कि वो एरिया होता है जहाँ पे लैंड और एक तरह से या बोल सकते हैं क्रायोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये टास्क है, एक बहुत ज़्यादा टास्क, ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ग्लोबल टेम्परेचर से हर जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। ये बोल रहे हैं इस चीज़ को अर्जेंसी से सोल्व करने की ज़रूरत है, और इसी के लिए मीटिंग भी हो रही है, UN कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कहाँ पर हो रही है, मैड्रिड में। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको बोलते हैं UNFCCC, तीन बार सी आता है, तो ये कह रहे हैं मेंबर नेशन मिल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट्स में कुछ जो यानी कि चीजें फाइनलाइज करनी है, जैसे कि कोमोडिफाई कार्बन एमिशन कट, यानी कि कितना जो है कार्बन एमिशन कट कितना करना है और ये कब तक करना है, इसके लिए कितना फाइनेंस देना है डेवलपिंग कंट्रीज को, ये सारा डिसाइड होना है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। देखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, लेकिन इवन जो है यूएस जैसों ने तो पेरिस एग्रीमेंट से ही अपना हाथ हटा लिया, वो बोलते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में हमें रहना ही नहीं क्योंकि हमें जो है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आज चाइना और इंडिया जैसी कंट्री इतना ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है लेकिन उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो यूएस जैसी कंट्री से बाहर निकल गई है, लेकिन फिर भी और कंट्री सब मिली हुई है, कोशिश कर रही है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए। ये बताते रिपोर्ट में देखिए साफ साफ कहा गया है, फिर से कहा गया है कि जो इसके जो इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रही हैं, अगर इसको रिड्यूस नहीं किया गया तो ह्यूमन हेल्थ, लाइवलीहुड, बायोडायवर्सिटी, फूड सिस्टम, इनके ऊपर सब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ये बताते हैं कि देखिए जो ओशियंस है या फ्रोजन एरिया है जहाँ पे
बर्फ जमी हुई है, अगर वो उसका रेट, वैसे तो ऑलरेडी बहुत तेजी से वो जो है पिघलना स्टार्ट हो गई है, और मेनली जो है ग्रीनलैंड, आर्कटिक और एंटार्कटिक पे ये चीज नजर आ रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो जो सी लेवल राइज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो बिल्कुल देखिए ऐसी आपको देखा, जैसे कुछ सिटीज़ है हमारे इंडिया में, देखिए कोस्टल सिटीज़ कितनी ज़्यादा है, अगर पानी सी लेवल बढ़ जाएगा तो जो लो लाइंग एरिया है वो सारा डूब जाएगा, और उससे जो है बहुत लोगों को जो है एक तरह से बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के रिफ्यूजीज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो सपोज कीजिए आज मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, या इस ऐसी सिटीज में लो लाइंग एरिया में, वहाँ पानी भर जाएगा तो उन लोगों को डाइवर्ट होना पड़ेगा दूसरी जगह। तो ये बोल रहे कि देखिए इससे और चीज़ क्या हो रही है, जो ट्रॉपिकल साइल क्लोन है वो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, रेनफॉल जो है कभी ज्यादा आ जाती है कभी कम आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो है बहुत कैटेस्ट्रोफिक सी लेवल जो इवेंट्स है वो बार बार देखने को मिल रही है, फिश की जो हेल्थ है वो भी जो है डिटोरेट हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए करना क्या है, जैसे बताते हैं कुछ लॉन्ग कोस्ट लाइन कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, कितनी बड़ी कोस्ट लाइन हमारी 7500 किलोमीटर के करीबन हमारी कोस्ट लाइन है, इसमें बोलते हैं कि इससे क्या होगा अगर इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। देखिए पहले क्या होता था, कोई ऐसा इवेंट जैसे साइक्लोन आ गया तो वो सालों में आता था, ऐसा नहीं हर साल, अब एक साल में ही तीन तीन चार चार साइक्लोन आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो अनोमलीज हैं ये रेगुलर अक्कर होने लगी है, जो कभी 100 सालों में होती थी, जिसका जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है। ये बताते हैं कि देखिए अलार्मिंग है कि 680 मिलियन रेजिडेंट जो है लो लाइंग कोस्ट लाइन में, उनकी वो जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं 2050 तक, ठीक है। फाइनली कहते हैं देखिए करना क्या चाहिए, देखिए जो सिस्टम है इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजीज भी हैं, तो उनको जो है फंडिंग करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ दी हुई है, ताकि जो है एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके। देखिए पेरिस एग्रीमेंट में बोला हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, देखिए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि सभी को मिलकर क्लाइमेट चेंज को जो है या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इक्विप्ड है, उनके पास पैसा है, फंडिंग है, हर चीज़ है, उनके पास जो है टेक्नोलॉजीज है, डेवलपिंग कंट्री या लो डेवलपिंग या बिलो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके पास ये चीज़ नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी देना, फंडिंग देना, ये काम डेवलप्ड कंट्रीज का है। तो ये इसलिए जो है ये जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको फुलफिल करने की जरूरत है, साथ में रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी जो है उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। ये के बाद कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड को फोकस करना पड़ेगा, अभी मैड्रिड में मीटिंग हो रही है, इसमें जो है पूरा सिस्टम को अकाउंटिंग का निकालना पड़ेगा कि देखिए अब एक कंपनी जो है कितना कार्बन एमिट करती है इसको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसकी क्रेडिबल कार्बन मार्केट भी निकालनी पड़ेगी, ताकि जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सके ग्रीन एनर्जी के अंदर। ये देखिए फाइनली ये कहते हैं कि देखिए डैमेज तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ये डैमेज बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए जो एग्जिस्टेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनडीसी क्या होता है, हर कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट में इस तरह के नॉर्म्स दिए हुए हैं, हर कंट्री डिटरमाइन करेगी कि वो आने वाले 5 सालों में कितना जो है काम करेगी, कितना रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगी, कैसे कार्बन जो एमिट ज्यादा हो रहा है उसको कम करेगी, वो अपना कुछ टारगेट डिसाइड करता है। इंडिया ने भी ऐसे टारगेट डिसाइड किए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए कि इंडिया के टारगेट्स क्या है। तो इस तरह बोल रहे कि देखिए जो टारगेट्स थे वो भी अचीव नहीं हुए हैं, बहुत सी कंट्रीज ने, यानी कि ज्यादातर कंट्री के अचीव नहीं हुए हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए हमारा प्लान है कि 2030 तक कैसे हम जो है टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना जाने दें, तो इसके लिए जो है एमिशन कट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो एक तरह से गैप आ गया है, जितना कट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो उस पे जो है प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था क्लाइमेट चेंज से वैसे हम काफ़ी आर्टिकल पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज को आपको चीज़ें सारी समझ ही आ गई होंगी, क्लाइमेट चेंज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है मिड डे मील से रिगार्डिंग, देखिए इस आर्टिकल में एक्चुअली चीज़ें तो बहुत अच्छी उठाने की कोशिश की लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। ये है कृष्ण कुमार जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, एनसीईआरटी के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये देखिए ये कहते हैं कि करीबन 2 डिकेड हो गए, यानी कि करीबन 20 साल हो गए मिड डे मील स्कीम को लागू किए हुए, और ये बताते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने आज भी जो इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। किस तरह की कमी बताते हैं, देखिए
तो ये कहते हैं कि फंड जो है, सबसे पहली बात बताते हैं फंड की, फंड ये कहते हैं सेंटर से जाता है, लेकिन जो है प्रॉपर उसके स्मूथली प्रोक्योरमेंट उससे जो है प्रॉपर नहीं किया जाता, यानी कि फंड तो प्रॉपरली जा रहा है लेकिन प्रोक्योरमेंट प्रॉपर नहीं होता है। इस तरह के हमें बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। देखिए एंटाइटलमेंट की बात करें, अब देखिए मिड डे मील स्कीम के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के एक दो इंसिडेंट आए, हो सकता है मिड डे मील स्कीम पे प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाए। इस तरह मैं बता रहा था आपको 5 से 7 टॉपिक रोज मैं बताऊंगा और कौन कौन लोग उन्हें फॉलो करेगा मैं 1 महीने नोटिस करूंगा, फिर जो उस हिसाब से एक सेपरेट ग्रुप बना के जो डेडिकेटेड बच्चे होंगे मेहनत करने वाले उनके लिए जो है प्रॉपर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि वो लोग जो है सक्सेस पा सके। देखिए सक्सेस के लिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कौन 5, 7, 10 लोग होंगे, जो जितने जो लोग मेहनत करेंगे, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आज मैं जो है एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं जैसे भी होगा आपको 10 टॉपिक बताऊंगा, 5 से 10 टॉपिक, आपको उसके नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं, मैं नहीं प्रिपेयर करने हूँ, आपको खुद से नेट से सर्च करना है, उसको पढ़ना है, हो सकता है वो 2 घंटे आपके लिए, लेकिन 2 घंटे जब आप खुद मेहनत करेंगे ना तो 10 टॉपिक आपको आने वाले 2 साल 3 साल तक याद रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं 10 टॉपिक आपको आज बताऊंगा, और 10 टॉपिक सारे कहां से उठाऊंगा, द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उठाऊंगा। जैसे आप मिड डे मील की बात हुई तो मैं मिड डे मील एक टॉपिक दे दूंगा आपको, आपको खुद से उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स में कितना टाइम लगता है, देखिए 10 चीजें एक टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट ही लगती है, ज्यादा नहीं लगती है, 15 मिनट में आप कर सकते हैं, तो 8 टॉपिक आप 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बताते हैं कि देखिए मिड डे मील स्कीम की बात करें तो मिड डे मील स्कीम में जो है 150 ml जो है दूध देने की बात है हर बच्चे को जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, लेकिन यूपी में इस तरह का केसेस अभी देखने को मिला, 80 जो है बच्चों को एक बाल्टी के अंदर जो है 1 लीटर दूध डाल दिया और बच्चों को वही दूध दे दिया, ठीक है। इस तरह की वीडियो सरफेस होती रहती है, ये कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की वीडियोज देखने को मिली है। एक बार तो यूपी में इस तरह की वीडियो निकल के आई थी, बच्चे को जो है रोटी के साथ नमक के साथ रोटी मिल रही है, तो इस तरह की ग्रेव सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। ये कहते हैं कि देखिए हो क्या रहा है, आप प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये कहते हैं कि ईच सच रिवील, जी इस तरह की चीज़ें रिवील होती है उसमें क्या होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि गिल्टी को पनिश किया जाएगा और बाद में तो वीडियो देखा जाता है ये वीडियो किसने बनाई और उसको ही जो है पनिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हो रही है। अब देखिए इसमें कुछ बताया नहीं हुआ, इस आर्टिकल में वही चीज़ें बार बार रिपीट की हुई है, कुछ इंसिडेंट बता दिए गए तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने देखिए साफ साफ बोला हुआ है कि मिड डे मील स्कीम जो है इसको देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी किया, इसको अप्रिशिएट किया गया और वर्ल्ड में एक तरह से बिगेस्ट लेवल पे भी इसको बोल सकते हैं कि बिगेस्ट लेवल पे ये चीज़ जो है दिखाई देगी, वर्ल्ड में दिखाएगी कि देखिए इतनी बड़ी स्कीम है लेकिन कुछ कमियाँ हैं स्कीम में जो कि सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। देखिए कहते हैं क्या क्या कमियाँ, देखिए 3 मेजर कमियाँ यहाँ पे नोटिस कराते हैं। सबसे पहली कमी ये कहते हैं कि देखिए क्वालिटी जो है फूड की वो बहुत बेकार है, यानी कि एक तरह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सेकंड चीटिंग, जो फूड दे रहे हैं अगर वो ठीक भी दे रहे हैं तो उसमें जो है चीटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे दूध वाला केस देखा हमने, 150 ml दूध देना था लेकिन क्या किया, एक बाल्टी के अंदर एक जो है 1 लीटर दूध डाल दिया और वही जो है पानी ही सबको पिला दिया, ठीक है। तो ये बच्चों ये एक चीटिंग वाला केसेज है। और थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है बहुत, तो लोगों को तो देखिए ये भी लगता है कि जो मिड डे मील स्कीम है उसका बेनिफिट सिर्फ किसको मिलना चाहिए, जो गरीब है उन वही जो है डिजर्व करते हैं, वही जो है उनको ही मिड डे मील स्कीम जो है उनके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। प्रॉपर जो है चीजें सबको पता नहीं है। ये कहते हैं सरप्राइजिंगली ऐसा देखने को मिलता है काफी स्कूल में बच्चों को जो अलग अलग कास्ट के बच्चे उनको अलग अलग बैठाया जाता है और बहुत से पेरेंट्स जो है उनको तो लगता है कि ये गरीब लोगों को जो है मिड डे मील स्कीम देनी चाहिए, दी जाती है, इसलिए वो अपने बच्चों को खाना दे के भेजते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए ऐसा माना गया सरकारी स्कूल गरीबों के लिए ही है, इस तरह की परसेप्शंस भी बन गई है जो कि काफ़ी जो है गलत है। ये कह रहे हैं देखिए कुछ प्रॉब्लम की बात करें, ये कह रहे हैं नॉर्दर्न, ये सारी प्रॉब्लम मोस्टली हमें कहाँ पे नज़र आती है, ये नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उनमें नज़र आती है। उसका रीज़न क्या है, देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं पूरी जो ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं, साउदर्न जो स्टेट्स हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपना पैसा खुद भी निकालते हैं और इस वजह से जो ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं वो मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स में मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। इसके अलावा देखिए ये कहते हैं ये आपको एग्जांपल्स याद रखने ताकि आप पेपर में लिख सके। ये कह रहे बहुत सी जगह ऐसा भी किया गया है कि देखिए जो डेली मेनू है वो स्कूल के जो वॉल है उस पर पेंट किया जाता है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी गैप्स हैं, ठीक है। उन गैप्स को जो है भरने की जरूरत है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। और तो इस आर्टिकल में कुछ खास बताया नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि देखिए
और कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं, कहीं और से जो है चीज़ें घुमा के फिर कुछ और ले आते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा असर करती है, ये उनके राइट्स को जो है वायलेट करती है। इसका असर पूरा उनके खाने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा लार्जर इशूज भी है, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब नई टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझने की ये कंटेक्स्ट से जो है बिल्कुल हटके चीज़ बता दी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है ये आर्टिकल, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो है अभी एक केस हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, अभी नहीं हुआ एक्चुअली, केस तो बहुत पुराना है, 2012-13 का केस है। वहां पे कुछ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओवादियों को मार गिराया, ठीक है, नक्सलाइट्स को। लेकिन जो अभी रिपोर्ट निकल के आई, एक रिपोर्ट जो है, एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, और इस इंक्वायरी कमीशन में ये पाया गया कि ये जो लोग मारे गए ये माओविस्ट नहीं थे, ये नक्सलाइट्स नहीं थे, यानी कि ये कहीं ना कहीं नक्सलाइट्स थे ये भी प्रूव नहीं हो सकता, और इनको जो है इनको जबरदस्ती मारा गया, ठीक है। ये बताते इंडियन गवर्नमेंट ये बात तो क्लेम करती है कि धीरे धीरे जो माओविस्ट जो गुरीला है या नक्सलाइट है जो इंडिया के रिसोर्स रिच फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी जो है कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रॉब्लम्स है उनको जो है आज भी जो एक्विजिशन है उनको जो है सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। ये कह रहे हैं इवन आज तो ऐसा हो गया है कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं उनको भी जेल के अंदर डालने की बात कही जाती है और डाल भी दिया जाता है, ठीक है। ऐसा केस आपने देखा होगा कोरेगांव वाला। अब कह रहे हैं कि देखिए एक कमीशन बैठाया गया और कमीशन ने अभी साफ साफ बोला कि देखिए ये जो इश्यूज है इनको क्रेडिबल तरीके से जो है जस्टिस नहीं दी जा रही है। ये कह रहे करीबन 7.5 साल पहले 17 जो अनआर्म्ड विलेजर्स थे, यानी कि उनके पास ना कोई आर्म्स था, और उसमें 6 माइनर थे, उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है मार दिया। अब इसके ऊपर एक जो है मध्य प्रदेश में जो है हाई कोर्ट के जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर जज थे वीके अग्रवाल, इनकी जस जो है एक तरह से चेयरमैनशिप में एक कमीशन बना गया, और कमीशन ने ये पाया कि देखिए सीआरपीएफ और पुलिस का जो बोल रही है वो बिल्कुल गलत है, वो ठीक नहीं है, और इनको जो है जबरदस्ती मैनुपुलेट, यानी कि जो इंक्वायरी है उसको मैनुपुलेट किया गया है और इनको जो है जबरदस्ती मारा गया। ये नक्सलाइट्स भी थे या नहीं थे ये चीज़ प्रूव बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें तो इन्होंने बता दी कैसे जो है एफआईआर हुई, क्या हुआ, वो सब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कह रहे एक और जो है चौंकाने वाली बात है कि जो गिल्टी है उनको पनिश करने की बात नहीं की। जज ने तो ये बोल दिया कि देखिए जो पुलिस फोर्स है उसको बेटर ट्रेनिंग दो, बेटर गैजेट दो, बेटर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसके बाद ही इनको एक्शन लेना चाहिए। इस तरह हेस्ट में या एकदम जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाया या फिर इनकी भी इंक्वायरी जो है होगी नहीं होगी वो कोई समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहे वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिलता है, डेथ, रेप केसेस, आर्सन, ठीक है। ये सलवा जुडुम जो एक फोर्स बनाई थी उसके द्वारा भी देखा गया, ऑपरेशन ग्रीन हंट बनाया गया था ये भी माओवादी से डील करने के लिए। ये कह रहे बहुत से केसेस इन ऑपरेशंस में देखे गए। ये कह रहे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2008 में भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला कि देखिए जो इस तरह की वायलेशन है वो और प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में या फिर जो ट्राइबल एरिया में प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। फेक एनकाउंटर्स के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो और तो इसमें कुछ बताया नहीं, कैसे सॉर्ट आउट करें, क्या करें, बस यही चीजें इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।